वेलकम टू कुक इजी विद साक्षी। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फटाफट से देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले एक बोल में डालेंगे पनीर के क्यूब्स। 250 ग्राम पनीर यूज किया है मैंने। पनीर के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, साथ ही साथ 1/2 चम्मच सॉल्ट, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और ऐड करेंगे 1/2 चम्मच किचन किंग। और अब इन सारी चीजों को मिक्स कर देंगे फोक की हेल्प से। अब एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसको रिफाइंड से ग्रीस कर लेंगे से। थोड़ा सा गरम होने देते हैं और अब रखेंगे इस पे पनीर की क्यूब्स। आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं इसको शैलो फ्राई ही करूंगी। इस तरह से मैंने सारी पनीर की क्यूब्स इस पे रख दी है और अब दोनों साइड से इसको हम पकाएंगे। साथ ही साथ शिमला मिर्च भी डाल देंगे कटी हुई और इसको भी पनीर के साथ हम फ्राई करेंगे। एक साइड से पनीर फ्राई हो गया है और मैंने इसको दूसरी तरफ से पलट दिया है। साथ साथ चलाते रहे। लगभग सिम गैस पे आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे दोनों साइड से पनीर को रोस्ट करने में। देखिए दोनों साइड से पनीर अच्छे से रोस्ट हो गया है। आप चेक करेंगे तो इस पे ब्राउन कवरिंग आ गई है, बहुत ही क्रिस्पी हो गया है ये। अब इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक बोल के अंदर डालेंगे सबसे पहले प्याज, साथ ही साथ शिमला मिर्च जो हमने पनीर के साथ रोस्ट की थी और टमाटर, और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच हरी चटनी के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ओरिगैनो सीजनिंग। साथ ही साथ इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच सॉल्ट और 1/2 चम्मच चाट मसाला और अब इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अब बारी है 1/2 चम्मच गरम मसाले की और 2 चम्मच नींबू का रस। अब डालेंगे इसके अंदर पनीर, और पनीर के बाद इसके अंदर डालेंगे सेव और साथ ही साथ आलू भुजिया। लास्ट में ऐड करेंगे हरा धनिया और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। और अब इसमें ऊपर से डाल देते हैं क्रश करके थोड़े से पोटैटो चिप्स। तो फाइनली पनीर चाट इज रेडी टू सर्व। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरी और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल कुक इजी विद साक्षी को YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook, Twitter और Instagram पे भी फॉलो करना ना भूलें। अपने कॉमेंट्स, फीडबैक, सजेशन और स्पेशल रिक्वेस्ट भी हमारे साथ शेयर कीजिए। टिल देन।